So welcome back, my name, to another video. In this video, we are going to talk about credit card for Poland study visa. तो देखो भाई, क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए पोलैंड के लिए, ठीक है? अगर कोई भी 18 साल से ऊपर है उसको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा, कोई भी 18 साल से नीचे है उसको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं जिनको इशू नहीं होगा उनके लिए, ठीक है, जो 18 साल से नीचे है। अब मान लो आप 18 साल से नीचे हो, क्रेडिट कार्ड भाई चाहिए ही चाहिए पोलैंड आने के लिए। दो चीज़ और बता देता हूँ। पहली चीज़ कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो भाई, पहले तो देखो अगर गवर्नमेंट ने पिछले साल या और इस साल का जो चेकलिस्ट है ना VFS का, वो मिलाओ, अगर बढ़ा दिया है, ठीक है, अमाउंट, फाइनेंशियल अमाउंट पिछले साल से इस साल का, क्योंकि भाई इकनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो एडजस्ट होगा। तो इसलिए जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा दिखाओ। मान लो आपको अगर अमाउंट दिखाना है साल की फीस वीस लगा के, मतलब मान लो 8 लाख 10 लाख दिखाना है, तो आप 11 लाख दिखाओ, 12 लाख दिखाओ, सेफ साइड पे चलो। पैसे नहीं है कहीं से लेके आओ, लेकिन फाइनेंस उतना दिखाओ। लेकिन सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी पोलैंड देता है इसी मामले में कि आपको क्रेडिट कार्ड देना होता है। FDR फिक्स करवाओ, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट पे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जो माइनर्स हैं 18 से बिलो। तो भाई उनके पेरेंट्स को लेना है, वो पेरेंट्स उनके FD कराएं अपना, 10 लाख 12 लाख या 8 लाख 7 लाख का FD करवाओ, और उतने ही अमाउंट 95% या 90% आपका वो मतलब FD अमाउंट का क्रेडिट कार्ड लिमिट इशू कर देते हैं, ठीक है। तो माइनर्स ऐसा कर सकते हैं, पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड दिखा के शो करके आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, एक चीज़, तो वो ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 18 साल से ऊपर वालों के लिए। तो उसके बाद मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुतों का वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है अभी इसीलिए। तो दूसरा ये करना है आपने, आप 18 साल से ऊपर हो तो आपने क्रेडिट कार्ड लेना है अपने नाम पे, आपने FD करवानी है इस बार, ठीक है। और बैचलर्स करने आ रहे हो 6 लाख एंड अबव, मतलब बैचलर्स करने आ रहे हो, सॉरी, तो नॉट 6 लाख अबव, बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपको चाहिए कम से कम 8 लाख से ऊपर, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। उसके ऊपर कितना भी ले रहे हो, 10 लाख 9 लाख, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कोई आ रहा है मास्टर्स करने, 6 लाख 6 लाख मिनिमम, 6 लाख एंड अबव मिनिमम भाई, उससे नीचे है तो चांसेस कम है, ठीक है। दूसरा ये, अब वो बात करते हैं, अब दोनों के पास क्रेडिट कार्ड आ गया, माइनर और अडल्ट के पास, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे FD के अगेंस्ट ले रहे हो तो, क्योंकि भाई किसी को अगर क्रेडिट कार्ड इशू होता है, सबसे पहले तो वो इशू होता है अगर सैलरी पे, तो 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, ज़्यादा ज़्यादा 2.5 लाख, ज़्यादा ज़्यादा 3 लाख मैक्सिमम किसी को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सैलरी भी उतनी होनी चाहिए, जितनी सैलरी होती है उसके बेसिस पे ही आपका प्रोफाइल बनता है, और उसके बेसिस पे वो आपको देते हैं कि इतने का लिमिट आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लिमिट होती है ये वन टाइम लिमिट होती है कि 8 लाख रुपये आज के आज, अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट हो तो आज के आज आप पूरे 8 लाख का कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो वो एक दिन की लिमिट, कई लोग बोलते हैं भाई महीने महीने की इतनी लिमिट होती है तो 1 साल का इतना लिमिट हो जाएगा, भाई वो नहीं होता। ये बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, सबको ध्यान से सुनो इसको, कि मतलब लिमिट जो है वो आपका वन टाइम पे है ना, ये 8 लाख का लिमिट है भाई, या 6 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो ये कवरेज करता है आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत आसानी से, समझ रहे हो। तो ये बहुत सेफ्टी नेट होता है कि आपका फाइनेंशियली, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, इसलिए पोलैंड इस मामले में अच्छा है। और कई लोग दूसरी कंट्री अप्लाई करते हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट वो असेस कर लेते हैं कि ये पैसा एकदम से बढ़ा है आपका। तो ये सब चीज़ देख लो, और क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए तो सब अपना बनवाओ भाई क्रेडिट कार्ड, साथ ही साथ अगर एडमिशन आ गया है, मिल गया है, तो और क्रेडिट कार्ड सही जगह से लो जो जल्दी इशू करता हो, क्योंकि हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आ जाए कार्ड आपके हाथ में। और फिर आप मेन बात ये करते हैं जो मैं बताने जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो क्रेडिट कार्ड का सर्टिफिकेट आप लगवाओगे लेटर हेड पे बैंक के, ठीक है। उसके साथ में जो आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मेंशन है, वही जो क्रेडिट कार्ड आपका इशू हुआ है उसका एक फ़ोटो भाई वो भी लगानी है, जो सेम नंबर आप हाइड करोगे कार्ड के डिटेल्स के क्रेडिट कार्ड सर्टिफिकेट में, वही हाइड करना कार्ड का जो फ़ोटो लोगे, मतलब फ़ोटो कॉपी जेरोक्स उसमें भी, ठीक है। तो उसमें नाम और आपका कार्ड डिटेल्स, कार्ड का जो फ़ोटो है वो दिख जाएगा, और आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा। तो ये दोनों चीज़ दोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड फिजिकली है, ठीक है। कई लोगों के पास फिजिकली क्रेडिट कार्ड होता है लेकिन वो लोग ये फोटो नहीं लगाते, तो वो रिजेक्ट मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है टेम्पलेट और सर्टिफिकेट तो कोई भी बनवा लेगा भाई कहीं से, क्योंकि वो तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में देते हो, है ना। तो यही सारी बातें हैं, कई बार लोग कॉपी दे देते हैं उसकी। तो सर्टिफिकेट जो लेते हो बैंक से आप अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट का, वो ओरिजिनल लगानी है भाई, ओरिजिनल लगाओगे
और वही सबमिट करना है, उसकी कॉपी सबमिट कभी मत करना, क्योंकि जो चीज़ें प्रूफ के तौर पे चाहिए कहीं से वो हमेशा ओरिजिनल लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कॉपी लगाने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है आजकल। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर कोई डाउट है इस वीडियो के कॉमेंट बिलो में डालो, डिस्क्रिप्शन बिलो उसमें, मतलब कॉमेंट सेक्शन में करो यार, मैं क्या करूँ। बट एनी वे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।